नमस्ते एक प्रश्न था किसी का तो ये एक प्रकार से उसके उत्तर में ही है प्रश्न इस प्रकार का था कि जब माताजी जी शेरविंद जब शरीर में अभी नहीं है तो आश्रम का औचित्य क्या है तो नेचुरली एक बड़ा सतह से चीज़ों को देखने वाली बात है माताजी जी शेरविंद कभी भी अपने शरीर से बंधे नहीं थे जब वो फिजिकल शरीर में थे तब भी डिसाइपल्स थे जो बाहर थे और शेरविंद के पत्र हैं द डिसाइपल्स आर आउटसाइड डिसाइपल्स हु आर देयर माने कितने सारे पत्र हैं जिसमें वो बताते हैं कैसे साधना करनी है जब आप बाहर हैं और कैसे टाइम टू टाइम वन शुड कम एंड गो तो ये लेकिन वो विषय हम आज नहीं ले रहे हैं वो हम लोगों ने अन्यत्र किया हुआ है साधना इन द आश्रम एंड आउटसाइड आज ये है कि क्या आश्रम का औचित्य है तो उसका एक सिंपल आंसर है हाँ और तब तक रहेगा जब तक एक व्यक्ति के भी अंदर श्रद्धा है और एक व्यक्ति के भी अंदर भक्ति का भाव है और जो इस योग में आगे बढ़ना चाहता है और ये औचित्य कहाँ से आता है वो अगर हम सच में देखें शब्दों के जाल में नहीं जाएं क्योंकि हम आश्रम से गुरु हैं आश्रम है गुरु चले गए तो आश्रम चला गया उस तरह से हमको नहीं देखें और उसके मूल में जाएं आश्रम क्या है श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं द आश्रम माँ लिखती हैं आश्रम इज़ शी बॉडी उन्हीं का एक्सटेंशन है तो किस तरह से बॉडी है ये उनकी तपोस्थिली है इसका निर्माण माशेरविंद की ऊर्जा से हुआ है इसके अंदर उनकी तप शक्ति की ऊर्जा डाली हुई है उन्होंने और ये ऊर्जा ऐसी है कि आप इस पर कितना भी कुछ डाल दीजिए बाहर क्योंकि वो सुपरमेंटल ऊर्जा है या डिवाइन ऊर्जा है तो ये कभी भी नहीं जा सकती है ये तब तक रहेगी ये ऊर्जा तब तक जब तक ये काम सुप्रमेंटल रूपांतरण का नहीं हो सकता नहीं हो जाता और इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ पता नहीं लोग गए होंगे कई सारी ऐसी तपस्थली पर मेरा तो उदाहरण ऐसा रहा है इवन जहाँ पे आश्रम नहीं है कुछ नहीं है मुझे एक याद एक जगह की रामपुर का जंगल है रामगढ़ के पास है तो जंगल है उसमें हाथी वाथी रहते हैं तो वहाँ ऐसे घूमते घूमते किसी ने कहा कि यहाँ पर सीता जी की रसोई है जहाँ माता सीता आई थी कभी रही थी अब वो जगह मुझे वैसी आकर्षित कर रही थी और वहाँ जाने से जो महसूस होता है इट इज़ अनबिलीवेबल वो जो अनुभव है माता सीता की रसोई है आप कोई ये कह सकता है कि ये तो चलो जंगल में बड़ा ऐसे फील हो सकता है सेम एक्सपीरियंस रशिया में जो कैथरीन द ग्रेट जो माँ की एक पहले विभूति थी उनका मसोलियम है जहाँ उनकी ग्रेव है या जो भी उनका शरीर है बगल में पीटर दी ग्रेट का है और बहुत भीड़ रहती है टूरिस्ट प्लेस है लेकिन वहाँ जाते ही एक चीज़ अलग चीज़ है जो कनेक्ट करती है और वो तपोस्थले भी नहीं है एक मसोलियम है तो मुख्य चीज़ यह है कि जो तपोस्थली होती है भारतवर्ष इस चीज़ को भली भांति जानता है गंगा में हम नहाते पवित्र क्यों महसूस करते हैं क्यों ये कहा जाता है क्यों ये सारी चीज़ें क्योंकि इसका जुड़ा कब से है सगर राजा सगर कब थे श्री रामचंद्र जी के भी पूर्वज हैं वो भगीरथ ने गंगा लाई थी लोग क्यों जाते हैं इन स्थलों पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्पंदन है जो रहता है और वो स्पंदन चार्ज रहता है उस जगह जो लोग वहां पे साधना करते हैं तपस्या करते हैं तो वो चीज़ एक्टिव रहती है विज, विजिट भी करते हैं फेथ के साथ तो एक्टिव रहती है लेकिन यहाँ तो साक्षात माँ शि ने तपस्या की है इसके कण कण को धूल को छुआ है अपने पाँव से और उनकी यष्टि जिसके ऊपर सुप्रामेंटल वाइब्रेशन से चार्ज है वो किसी इवन रिलिक्स सेंटर इसका स्थान नहीं ले सकता है क्योंकि साक्षात उनकी बॉडी वहां पर है तो अगर हम बाकी चीजें फूल भी जाए आश्रम के दो एस्पेक्ट हैं एक है इंस्टीट्यूशन पार्ट इंस्टीट्यूशन बदलता रहता है बिगड़ता रहता है नई चीज़ें आती हैं पुरानी जाती हैं ये एक प्रोसेस है क्योंकि इंस्टीट्यूशन में मनुष्य हैं नियम हैं कानून हैं ये बदल ये म्यूटेबल चीज़ें हैं ये बदलेंगी हमें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा जो पुराने होंगे उनको जब नया बदलाव आएगा उनको बुरा लगेगा कई बार वो बदलाव एक और नया चीज़ आने वाली है उसका एक पैसेज होता है तो उसमें हमको नहीं उलझना चाहिए आश्रम इज नॉट द इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल हु रन इट ये पहली चीज आश्रम श्री अरविंद मां की तपस्थली है और अगर हम बाकी चीजें भूल भी जाए तो मात्र इसलिए कि वहां मां श्री अरविंद की समाधि है इतने वर्षों के बाद सत्तर वर्षों के बाद भी जब श्री अरविंद के कक्ष में जाते हैं लोग क्यों ये अनुभव होता है अब कुछ लोग ये कह सकते नहीं हमें बस अच्छा लगता है ये आपकी रिसेप्टिविटी की प्रॉब्लम है कुछ है जिनके लिए जीवन बदल देता है नहीं आई नो एक्सपीरियंस की की वो आ, और ये की बात है जिन्होंने समाधि पे अपना माथा रखा तो सिर नहीं उठाया जा रहा है असंभव हो रहा है तो ये रिसेप्टिविटी की बात है वो तो हमेशा रहेगी आप शेयरविंद माता जी के समय भी ये बात थी जब माँ शेयरविंद बार बार कहते थे ओपिननेस एंड रिसेप्टिविटी ओपननेस एंड रिसेप्टिविटी नहीं है तो कहीं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता इंसान भगवान के सामने भी खड़ा हो जाएगा भगवान सामने आके कहेंगे मैं भगवान हूँ तो माइंड जो रिसेप्टिव नहीं हो गएगा प्रमाण दीजिए तो वो बताएंगे प्रमाण तो कहेंगे ये तो कोई भी कर सकता है अच्छा कोई और प्रमाण नहीं आप प्रमाण पत्र दीजिए आपकी बर्थ डेट बताइए आपका जन्म कब हुआ कहाँ हुआ ये तो रिसेप्टिविटी की समस्या है डाउट्स आएंगे लेकिन अगर रिसेप्टिविटी ओपननेस एक अलग अध्याय है जो हमको डेवलप करना है कैसे डेवलप होता है जब हम देते हैं तब हम खुलते हैं जब हम देंगे तभी जगह बनेगी अगर हम दे ही नहीं रहे केवल पाने पाने का तो भगवान एक दिन कहेंगे मैं देना तो चाहता हूँ तूने ठूस ठूस के सब भर लिया और तेरी दे मन प्राण बहुत छोटे हैं और डालूँ कैसे? या तो विशाल बन या तू उड़े इसमें से बाहर नहीं आप ले लोगे जो अंदर में है तो फिर अब तुझे नई चीज़ें चाहिए तो या तो तू दे बाहर कर इनको और मैं छीन झपट करूँगा तुझे बुरा लगेगा या विशाल बन तीनों में से अगर कुछ नहीं बनेगा तो तू खड़ा रहेगा भगवान के सामने लेकिन कुछ नहीं मिलेगा वो एक अलग समस्या है लेकिन अगर थोड़ी सी भी रिसेप्टिविटी है थोड़ी सी भी ओपननेस है अनेकों लोग हैं जो आए हैं आते हैं इवन विजिटर के रूप में आते हैं और वो इस स्पंदन को महसूस करते हैं और ये एक ऐसा स्पंदन है जो आज कल की बात नहीं है ये कितने न जाने बदलाव आएंगे काल गति में बदलाव आते हैं जो भी कोई संस्था इवोल्यूशनरी है उसमें बदलाव आएंगे और आने चाहिए इवोल्यूशन का मतलब ये है बाहर की चीज़ों में तो बदलाव आएगा डिपार्टमेंट्स हैं रहेंगे नहीं रहेंगे अलग तरह से उनकी चेंज आएगा सिस्टम अभी जो है ऑर्गेनाइजेशन uh, का वो सब बदलेगा इट इज़ बाउंड टू चेंज क्योंकि इवोल्यूशन है स्कूल का ढांचा खांचा ये सब बदलेगा नथिंग रॉन्ग विद दैट लेकिन अल्टीमेटली विका, विकास की दिशा में लेकिन जो चीज़ शाश्वत सत्य के रूप में रहेगी वो ये कि माँ अरविंद यहाँ रहे और रहते हैं धरती पर अगर माँ अरविंद को कहीं पर अपने चरण धरने हैं कहाँ जाएंगे वो यहाँ नहीं जाएंगे ये और बात है कि हमें उनके कक्ष को ऐसे रखना है कि जब वो आए तो ये ना कहेंगे क्या कर दिया दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ये अभी की बात नहीं मतलब कालांतर की बात है फॉर थाउजेंड्स ऑफ यर्स जो उन्होंने यहाँ बीज बोया है और अपनी चेतना डाल दी है लिटरली अगर हम कहें अपने रक्त तो और पसीने से सींचा है और फिर अपनी यष्टि भी इस महायज्ञ वेदी पर उन्होंने समर्पित कर दी है समर्पित इन द सेंस टू द ग्रेट वर्क तो ये तो जब तक मनुष्य सुप्रामेंटल बीइंग नहीं बन जाता तब तक आश्रम का औचित्य और सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहाँ तक सुपरमेंटल योग की चीज़ है वो हमेशा रहेगा ये और बात है कि दो प्रकार का संबंध हम जोड़ सकते हैं आना जाना ये पहले भी ऐसे था जहाँ जहाँ माँ ने काम दिया है वहाँ करें आए प्रेरणा प्राप्त करें प्रभाव प्राप्त करें और जाए ये शेरविंद ने लिखा हुआ है या कोई अकल्ट अरेंजमेंट जिसके कारण लोग यहाँ आके बस जाते हैं रहने लगते हैं अफकोर्स ओपननेस रिसेप्टिविटी एस्पिरेशन ये कॉमन फैक्टर है केवल रहने से काम नहीं होगा वो एक अलग बात है लेकिन आश्रम का इस भूमि का तपोभूमि का औचित्य स्थान तब तक रहेगा जब तक मनुष्य सुप्रमेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर जाता क्रॉस करने के बाद भी रहेगा क्योंकि तब हम लोग कहेंगे अच्छा यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी तब हम ये कहेंगे और आनंद लेंगे इस बात में कि हमको अवसर मिला इस महायज्ञ में और इस महायात्रा इस महाअभियान में प्रारंभ जुड़ने का जिसका बीज जिसकी रूट्स यहाँ पर है और वृक्ष वटवृक्ष की तरह पूरे विश्व में फैला हुआ है नमस्ते